हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस मैं बता दूं कि यूट्यूब की पहली कमाई से फाइनली मैंने ले ली है स्कॉर्पियो। तो गाइस मैं बता दूं कि ऐसे लोग बोलते हैं जिनकी पहली पेमेंट आई होती है। तो मेरी मैं बता दूं कि अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो ऐसा होगा। तो गाइस मैं बता दूं, ये मेरा दोस्त, इधर आ जाओ दोस्त, यही भैया इन्हीं का है। ये भाई फाइनली ले लिया स्कॉर्पियो, और मैं बता दूँ बहुत ही खुशी का दिन है। और मैं आज सीखूंगा, क्योंकि मैं किसी का गाड़ी सीखता नहीं हूँ, लेकिन भाई का है तो अपना है। तो गाइस चलते हैं आज स्कॉर्पियो सीखने, और बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हैंडल पर। तो गाइस मैं, मुझे बहुत ही डर भी लग रहा है, आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही सपोर्ट करने वाले मेरे भाई बैठे हैं। तो वैसा को क्या करूँ मैं, पहले आप गियर लगाइए। नहीं, वो रिवर्स हो गया। ये क्लच दाब के पूरा भैया। अच्छा, ये आगे लेके, हाँ साइड। अच्छा, ये पहला हो गया। पहला हो गया। तो गाइस बहुत ही डर लग रहा है, और और फाइनली स्कॉर्पियो चलने लगी। और मैं बता दूं भैया, थोड़ा आराम से चलाइए। और गाइस मैं ड्राइविंग करने जा रहा हूँ पहली बार स्कॉर्पियो, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप जरूर कमेंट करके बताएं कि मैंने ड्राइविंग कैसे किया। आप देखिए वीडियो के माध्यम से मेरा भाई शिव कुमार दिखा रहा है आपको। एक राउंड और जाइए, एक राउंड। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं गर्मी गर्मी हो चुका है, डर भी लग रहा है। अगर मैं यही सड़क पे सीखता तो शायद मैं कहीं पे ठोक देता, और जितने मेरे दोस्त बैठे हैं लात को जरूरी कहा जाते मेरे चलते। तो गाइस काफ़ी मज़ा। और मैं बता दूं कि अभी मेरा बैसाखू अच्छी ड्राइविंग करता है, तो आज भाई घुमाएगा भी और दोस्तों से मिलवाएगा। तो आज हम लोग स्कॉर्पियो से घूमेंगे और आपको भी दिखाते हैं गाइस, आप वीडियो मेरे, और आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, और चलते हैं गाइस। तो गाइस मैंने फाइनली सीख भी लिया है, अभी उतनी अच्छी तरीके से नहीं मैं सीख चुका हूँ, क्योंकि भाई की गाड़ी है तो हमेशा मिलता रहेगा, मैं ड्राइविंग करता रहूँगा। तो मैंने स्टेयरिंग भाई को दे दी है, और भाई आज घुमाएगा हम लोग जहाँ बोलेंगे वहाँ। और काफ़ी दोस्त भी हैं साथ में, शिव कुमार, दिलीप, आकाश भाई भी हैं आज, तो काफ़ी मजा आ रहा है। हम भी बैठे हैं, जैसे जय सिंह। तो चलते गाइस, आज काफ़ी मजा आने वाला है, और बहुत खुशी हो रहा है आज स्कॉर्पियो में बैठ के। पहली बार हम बैठे हैं स्कॉर्पियो में, तो अच्छा लग रहा है, और इसमें कंफर्टेबल फील हो रहा है बैठने पे, मतलब अच्छा लग रहा है। गाइस मैं बता दूं कि अगर मैं यूट्यूब से कमाई होने लगेगी तो मैं भी स्कॉर्पियो लूंगा, क्योंकि बहुत ही मजा आ रहा है स्कॉर्पियो चलाने में। अरे मजा नहीं आता तो उधर नितिन मार्टिन भी लिए हैं स्कॉर्पियो। नितिन मार्टिन भैया जो है यूट्यूबर है, बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, और दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली हम लोग जाने वाले भी है। गाइस मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया भी था, हम लोग टिकट भी निकाल लिया है 22 तारीख को, मेरा है और शिव कुमार भाई। हाँ मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो जरूर बिल्कुल मिलेंगे। उसके बाद हम भी आ रहे हैं दिल्ली में आप लोगों से मिलने के लिए। और दिलीप भाई भी आने वाला है, इसका कोई पता नहीं, वो नौकरी का रिलेशन है, रिलेशन में जाना है। अच्छा, तो काफी मजा आएगा वहाँ पर भी गाइस। और जब आप स्कॉर्पियो चला रहे थे तो हमें लगा नहीं था कि मतलब आप सीख रहे हैं, चलाने के हिसाब से लग रहा है आप चला ले रहे हैं, मतलब चलाते भी थे पहले। जैसे मैं जैसे बैठता हूँ किसी भी फोर व्हीलर में, तो मैं देखता रहता हूँ लोग कैसे चलाते हैं। हाँ। तो मैं वो सोच के ऐसे चला, तो मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस हुआ मुझे, तब मैं चला पाया। नहीं, मुझे आप इतना हार्ड मतलब चला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, बहुत तेज भाग रही है ये। अरे बता दूं, आकाश भाई जो है अपने घर पे उतर गए हैं, उनको समय नहीं है साथ में घूमने का। तो गाइस हम लोग घूमते हैं भाई के फोर व्हीलर में स्कॉर्पियो में, तो काफी मजा आ रहा है। तो गाइस आज हम लोग चलेंगे दोस्तों से मिलने, क्योंकि कई दोस्त ऐसे हैं उनको सरप्राइज देना है कि भाई ने न्यू स्कॉर्पियो लिया, देखते उनका रिएक्शन क्या होता है गाइस। तो काफी मजा आया और काफी खुशी भी है आज। गाइस काफ़ी दूर तक गाड़ी चल चुकी है, 2 किलोमीटर आगे, क्योंकि हम लोग दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है भाई साकू भाई अभी कुछ रास्ते में खिलाएगा, अभी दुकान दिखेगा तो कौन दुकान, अभी हम टकाटक लेंगे या टकाटक लेंगे, सबके चिप्स कुरकुरे खाएगा। नहीं भाई ये सब तो नहीं चलता है, बियर वगैरह तुम कोल्ड ड्रिंक पिला देना, वो चलेगा।
गाइस मैं बता दूं, हम लोग पहुंच चुके मित्र के घर और मैं अभी कॉल किया हूं। मैं बता दूं कि मुकेश भाई से हम लोग मिलने आए लंगड़ा चौराहे पे और मैं वेटिंग कर रहा हूं उनके घोट पे। और भाई लगता है निकल के आ रहे हैं वाकई में, तो आज मुलाकात हो जाए दोस्तों से। भाई काफ़ी खुश भी है, स्कॉर्पियो लेना कोई आम बात नहीं है। मैं बताऊँ भाई कैसे लिया स्कॉर्पियो, खुद बताएगा कैसे लिए भाई स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो लेने में मैंने 2 कट्ठा खेत बेच दिया। तो गाइस आप देख सकते हैं मुकेश भाई पीछे, जो पवन सिंह के बहुत ही बड़े फैन भी हैं, तो आज ये भी साथ में घूमेंगे। तो गाइस अभी साथ में मुकेश भाई भी हो चुके हैं, तो आज बहुत ही मजा आ रहा है स्कॉर्पियो में घूम के। तो चलते हैं घूमते हैं, और भी दोस्त मिलेंगे आगे तो उनको भी लपेट के बैठाएंगे और बहुत ही मजा आएगा और खर्च करवाएंगे। मुकेश भाई भी काफी, मैं देखा हूँ थैली उनके पैसा था पर्स में। इसमें बता दूं कि मुकेश भाई का फरमाइश है कि पवन सिंह का गाना लगे, कौन वाला, पुदीना वाला। हम लोग यहाँ रास्ते में रुक गए हैं पूल के पास, हमने यह ठाना है कि फोटो खिंचाना है, तो गाइस चलते हैं अभी फोटो खिंचवा लेते हैं दोस्तों के साथ, स्कॉर्पियो के साथ। तो गाइस काफी आज मजा आ रहा है दोस्तों के साथ, और हम लोग एक पूल के पास रुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाएंगे कैमरा मैन लेके, ये मेरे भैया का कैमरा मैन का बहुत शौक है, और साथ में फोटो भी लेंगे मुकेश भाई का आज इस बार के साथ, और मेरा बड़ा भाई दिलीप भाई भी है। काफी मजा आ रहा है, कितने सारे दोस्त यहाँ पर है, दोस्तों के साथ बहुत ही मजा आता है कहीं पे भी। अमित भाई अभी को निकल रहे हैं, अमित भाई को मैंने बताना भूल गया, मैं इनको देखा नहीं, वो पीछे डिग्गी में बैठे थे अमित भाई, सॉरी अमित भाई, हाँ मैं देख नहीं पाया। क्या बोलना चाहते हैं, यही कि आप गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हैं। तो मैंने आज ही ट्राई किया था और गाइस मेरी ट्राई बहुत ही अच्छी, हार्ड मतलब चल रही थी अभी इस टाइम भैया चला रहे, ट्राई बहुत अच्छी थी। यहाँ की प्लानिंग है अभी हम लोग पिक फोटो लेंगे वही स्कॉर्पियो के साथ और दोस्तों के साथ, क्योंकि वो पिक रहती है तो यादगार भी बन जाती है गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं फोटो खींचने स्कॉर्पियो के साथ। गाइस मैं बता दूं कि फोटो खींचने से पहले भाई की कुछ रिक्वेस्ट है, क्या क्या करना है, शिव कुमार भाई बोल रहा है कि जैसे मैं स्कॉर्पियो से उतरूंगा गेट खोल के और दरवाजा खोल के, वैसे मेरा स्लो मोशन बनाए, तो भाई पहले इसका कर दूं, नहीं तो भाई गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि सबसे मेन है एक तो कैमरामैन भी है ये, और गाइस जो मेन मालिक है गाड़ी का आप देख सकते हैं मेरा दोस्त वैसाकू, और आज ये पार्टी देगा भाई अपने, तू बता क्या क्या खिलाएगा आज भाई, आज क्या आज पार्टी में रहेगा, मुर्गा बिरयानी बियर और जो चाहिए वो मिलेगा पार्टी में। नहीं तो मुझे बियर वगैरह नहीं चाहिए भाई, ये सब तो दूर दूर रहते हैं, हम लोगों को मीट मछली भी तो मैं खा नहीं रहा उस समय, तो पनीर राइस रहेगा, तरकुला चलिए वहीं घूमा जाएगा, वो माता जी का दर्शन किया जाएगा और वहीं पे जो खाया जाएगा सभी लोग हैं। गाइस आप देख सकते हैं जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर पूल पे बैठ के, और शिव कुमार भाई की एक्टिंग है, क्योंकि ये बोला है कि मेरा स्लो मोशन करना है, तो मैं पहले इसका स्लो मोशन कर दूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार है गेट खोल के, जैसे ही गेट खोल के उतरेगा मैं इसका स्लोमो बनाऊंगा, तो गाइस पहले इसका स्लोमो हम बना देते हैं। तो गाइस फाइनली शिव कुमार भाई का जो स्लोमो है आपने देखा किसका बन चुका है, और भी देखते हैं अभी दोस्तों का क्या फरमाइश होता है, अभी हम लोग फोटो नहीं खींचे हैं तो भाई अभी तक आराम ही कर रहे हैं लोग। तो गाइस मैं बता दूं कि फाइनली सबका स्लो मोशन फोटोज वगैरह खींच लिए हैं, और मैं बता दूं कि मेरे और भी एक प्रिय मित्र सोनू भाई अभी रिलेशन में गए और जस्ट आ रहे हैं, तो इनसे भी मुलाकात हो गई है, तो हम लोग मिल के पिक खिंचाएंगे अभी, और भाई के साथ में भी होगा एक पिक। तो गाइस हम लोगों ने काफी यहाँ पर समय दे दिया, और मैं बता दूं कि सबका हो चुका है वीडियो और फोटो सबका हो गया, तो गाइस मैं आप देख सकते हैं मेरा भाई वैसाकू गाड़ी स्टार्ट कर दिया, अब हम लोग घर निकल रहे हैं। सोनू भाई यार बहुत उदास हो, कहाँ है भाई? तो गाइस बढ़ते हैं घर के तरफ, और बहुत ही मजा भी आया स्कॉर्पियो में घूम के। तो गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं स्कॉर्पियो में, अभी मुकेश भाई आगे उतर जाएंगे, इनका घर पड़ता है, तो काफी मजा आया आज, और चलते हैं गाइस घर के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाई बाल और झाड़ रहा है, सारा दामोदर इसी पे है, इन्हीं पे है, और थम्स अप पेप्सी लिया जाएगा कि मतलब स्प्राइट। भाई पता नहीं क्या लेगा खाने के लिए। मुकेश भाई की फिर फरमाइश है कि ये पवन सिंह का गाना सुनेंगे भोजपुरी। तो गाइस आप देख सकते मुकेश भाई यहीं पे उतर गए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई मुकेश भाई, आप इतना समय दे, आई लव यू टू, आई लव यू थ्री, जय सिंह छोटे ब्रदर ये भी है, आवाज तेज किया जाए,
अभी हमें आवाज तेज करता हूं गाइस, तो बढ़ते हैं गाइस आगे, लगा दिया है भाई आगे खर्च भी करेगा। अमित भाई पीछे बैठे अमित, नहीं अमित भाई कवर है, वहां पे कवर किया था मैंने पूल पे। तो चलते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं, अभी भाई जैसे बोला था दुकान पे कुछ खिलाएगा, अभी तो मैं उसी का वेट कर रहा हूं कब दुकान पे पहुंचे जाए और भाई देखे क्या खिलाता है, पकौड़ी है कोल्ड ड्रिंक है। तो गाइस मैं भी अभी घर पे गया नहीं हूँ भोजन करने, क्योंकि भाई जैसे गाड़ी लेकर आया दुकान पे डायरेक्ट मैं निकल चुका हूँ भाई के गाड़ी में बैठ के, कुछ जैसे कि इनका फोर व्हीलर लिया गया है। बढ़ते हैं गाइस, और गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमने बोला कि भाई साकू भाई यार कुछ खिलाओ, तभी वहाँ पर बोला था भाई कि ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, और जैसे हम लोग चौराहे पे आए हैं तो भाई बोला कि पैसा नहीं है ये नहीं, बताइए भेजते हैं यार स्कॉर्पियो बढ़िया चीज नहीं मिला तरकुलहा में, नहीं नहीं हम लोग को बढ़िया चीज वही है बाबू, वही खिला दो पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक, वही हम लोग का बढ़िया चीज है। इस मोड़ पे साई ट्रैवल्स के सामने एक दुकान है, बहुत फेमस दुकान है जैनाथ केरा पकौड़ी और समोसे की दुकान, एक नंबर सही बता रहे हैं। ठीक है गाइस, हम भी जब तक खाएंगे नहीं तब तक स्कॉर्पियो से नीचे नहीं उतरेंगे हम लोग, देखते हैं बाबू कहाँ ले जाते हैं, बहाना से काम नहीं चलेगा। अभी ये बोले चौराहे रास्ते में पड़ेगा तो वहाँ पर खिलाऊंगा मैं, वहाँ पर भी बाइक कट हो गए हैं तो मैं देखता हूँ, जब तक खिलाएंगे नहीं हम लोग उतरेंगे नहीं गाड़ी से। इसमें बता दूं कि शिव कुमार और अमित भाई ने गाड़ी रास्ते में खड़ी कर दी थी, क्योंकि हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे तो मैंने फ़ोन किया था कि शिव कुमार भाई आज चलना है, भाई ने स्कॉर्पियो लिया तो भाई साइड में गाड़ी लगा दिया है अपना दुपहिया, तो भाई को वहाँ पर छोड़ देते हैं उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर। तो गाइस मैं बता दूं कि फाइनली शिव कुमार और अमित भाई यहीं पे उतरेंगे, क्योंकि अपनी बाइक जो है पीछे खड़ी की है सड़क के किनारे। एक मिनट दरवाजा खुला है, जाने दो शिव कुमार भाई को, मैं रुक रहा है गाड़ी। तो गाइस भाई का गाड़ी भी दिख रहा है शिव कुमार का, तो शिव कुमार आओ वहीं पे दुकान पे, हाँ तो चलते हैं गाइस। तो गाइस अब हम लोग निकल पड़े हैं घर के तरफ, और कोई बात नहीं बैसाखू भाई का जो पार्टी है पेंडिंग में रहेगा, ये तो अपना दोस्त है हमेशा मिलता जुलता रहता है, तो और भी कभी हम लोग खा लेंगे भाई से कुछ भी, भाई इतना कुछ बोला है तो जरूर करेगा, खिलाएगा पिलाएगा ऐश कराएगा। मैं बता दूं कि अभी हम लोग अपने चौराहे पे आ चुके हैं और भाई मुझे अब मेरी दुकान पे छोड़ेगा, देख सकते हैं फाइनली अपने दुकान पे मैं आ चुका हूँ। तो गाइस काफ़ी आज मज़ा आया दोस्तों के साथ, और भाई साकू भाई जा रहा है अपने घर तो मैं अपनी दुकान पे उतर गया हूँ। तो गाइस मैं भी चलता हूँ अपने घर, क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया है, और अजय भाई आज काफ़ी लेट हो गया है तो भाई साथ में जा नहीं पाया, काफ़ी उदास है, उसकी उदासी चेहरे पर देख सकते हैं अजय भाई की। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर और काफ़ी आज मज़ा भी आया, और मैं बता दूँ यहाँ पे किसी का भी पता नहीं है, मेरा बुब्बू है अकेला, मम्मी जी लगता है बगल में दीदी के घर पे गई हैं। तो गाइस देखते हैं भोजन भी करना है मुझे, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और बैसाखू मेरा दोस्त था आज, वो बोला भी था कुछ खिलाने के लिए तो उसका भी तो कैंसिल हो गया और पार्टी पेंडिंग में है। तो गाइस चलते हैं अंदर देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है, तो मुझे करना है भोजन तो मैं खा पी लेता हूँ थोड़ा सा। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, बाय बाय।